रोकने के आदेश दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान दिया गया है। घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की गई है। आयुक्त कुमाऊं मंडल को घटना की जाँच के निर्देश दिए गए हैं। तो बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने इस हादसे पर दुख भी व्यक्त किया है, साथ ही सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। तो बता दें कि सरकार ने बड़ा एक्शन लिया, संबंधित क्षेत्र के आरटीओ प्रवर्तन को निलंबित तो किया ही है, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया। जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और घायलों को जल्दी भगवान उनको उचित उपचार भी मिले और जल्दी ही वो स्वस्थ हों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और जल्दी से जल्दी लगातार हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहाँ पर कह दिया गया है, जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुँचाया जाएगा। कानपुर से बड़ी खबर है, एसपी नेता समेत 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है।